मेरे मौला, क्यों भटकता फिरूं जमाने में, यह कभी तो चाहूंगा, क्यों भटकता फिरूं जमाने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, क्यों भटकता फिरूं जमाने में, क्या कमी है तेरे खजाने में, जब भी सोचा मेरे अल्लाह, जब भी सोचा लुत्फ आया है सर झुकाने में, लुत्फ आया है सर झुकाने में, वफा की राह में हमारे हमदा साहब के लिए चार मिसरे पढ़ रहा हूं। वफा की राह में हम इम्तहान दे देंगे, वफा की राह में हम इम्तहान दे देंगे, और वतन के वास्ते हम लोग जान दे देंगे। वफा की राह में हम इम्तहान दे देंगे, वतन के वास्ते हम लोग जान दे देंगे, और हमारा खून जमीन से निचोड़ कर दे दो, खुशी खुशी तुम्हें हिंदुस्तान दे देंगे, हिंदुस्तान खुशी खुशी नजराना मिला है हमारे भाई की जानिब से, बहुत शुक्रगुजार हूं। सवाल फरमाए, ऐ मेरे अल्लाह, तो मुझे चाहूंगा नाते रसूल पर हमारे अमदार जी से भी मैं बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। समाज फरमाए, चांद मिसरे और पढ़ रहा हूं, ये गुलशन ने हिंद को सींचा है लहू से अपने, गुलशन ने हिंद को सींचा है लहू से अपने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे, और जिस्म के कितने भी हो जाएं हमारे टुकड़े, हम कभी देश के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम कभी देश के टुकड़े नहीं के टुकड़े नहीं होने देंगे। लीजिए, एक घंटे का टाइम दिया गया है लियाकत भाई की जानिब से, हमारे तौफीक भाई की जानिब से ये नजराना मिला है, मैं शुक्रगुजार हूं। और इस नात को बगौर सुनिएगा, मुझे बहुत बेहद पसंद है। समा फरमा, या
जज्बा मेरे सीने से चला आता है। काफिया नूर के सीने से चला आता है। करता हूं एक एक शेर मदीने से चला आता है। एक एक शेर मदीने से चला आता है। बोल पढ़ रहा हूं तौफीक भाई और हमारे बाहर से जो मेहमान तशरीफ फरमाए उनसे भी बतौर खास तवज्जो चाहूंगा नाते रसूल पर, क्योंकि नसीब में जो लिखा है खुदा से मिलता है। असद अजमेरी कहते हैं, नसीब में जो लिखा है खुदा से मिलता है, जो न लिखा हो दर मुस्तफा से मिलता है। नसीब में जो लिखा है खुदा से मिलता है, जो न लिखा हो दरे मुस्तफा से मिलता है। और तमाम उम्र के सजदों से जो नहीं मिलता, पढ़ो दरूद तो सल्ले अला से मिलता है। अर्जुबानों से भी मैं इजाजत चाहते हुए उन पर भी नाम नाते पाक पढ़ते हुए चाहूंगा, समा फरमाए। अल्लाह के महबूब की कितनी बड़ी शान है, अल्लाह के महबूब की कितनी बड़ी शान है। बड़ा बढ़ाइए अमजद भाई। अल्लाह के महबूब की कितनी बड़ी शान है, माँ बाप मेरे नबी, हाँ माँ बाप मेरे नबी, तुम पर शुक्रगुजार हूं लियाकत भाई से भी नजराना मिला है। एक मतलब और पढ़ना चाहूंगा। हसनैन के नाना है वो, हसनैन के नाना है वो, नबियों के सुल्तान है। हसनैन के नाना है वो, नबियों के सुल्तान है। ये इंसान इंसान क्या खुद खुदा,
इंसान क्या खुद खुदा उन पर बहुत दिनों से तारीख सुनता था, आज मौका मिला है। चार मिसल में बतौर खास नायरी वालों के लिए पढ़ना चाहूंगा, जो मुझे बहुत पसंद है, लियाकत बेहतर मुझे चाहूंगा। सजा के लब पे दरूदों के फूल रखते हैं, सजा के लब पे दरूदों के फूल रखते हैं, सजा के लब पे दरूदों के फूल रखते हैं, हम अपने सर पे मदीने की धूल रखते हैं, हमारे जिस्म को दोजख जला नहीं सकती, हमारे जिस्म को दोजख जला नहीं सकती, हम अपने सीने में इश्क रसूल रखते हैं, 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 हम अपने सीने में इश्क रसूल रखते हैं। आजकल बहुत सी पाबंदियां लियाकत भाई इस्लाम पर लगाई गई हैं, बहुत सी पाबंदियां, मगर हम हुजूर वाले हैं, रसूल वाले हैं। तमाम अहले नारी नायरी से इन चार मिसरों पर बतौर खास तवज्जो चाहूंगा। जो गुलामे शहे अबरार नहीं, तौफीक भाई ये चार मिसल सुनिएगा। जो गुलामे शहे अबरार नहीं हो सकता, जो गुलामे शहे अबरार नहीं हो सकता, वो कभी खुल्द का हकदार नहीं हो सकता, लाख इल्जाम लगाए ये जमाने वाले, लाख इल्जाम लगाए ये जमाने वाले, कलमे वाला कभी कद्दार नहीं, कलमे वाला कभी कद्दार नहीं हो तशीफ ले गए, मंजर देखेगा, हैरान है, हैरान है
मकबूल हुई थी भी। उसके चांद में से मुझे याद आया, रब ने उन्हें बुलाया है दीदार के लिए। नूर से नूर मिलकर, नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया, नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया, नूर से नूर मिलकर जुदा हो गया। एक खुदा दूसरा, एक खुदा दूसरा मुस्तफा हो गया, सबका मिला है। लियाकत भाई, सारे हिंदुस्तान में एक मेरा कलाम मशहूर हुआ था, हमीद झांसवी ने मरते मरते ये दो शेर लिखे थे, अल्लाह हू अकबर। वो शेर सुना रहा हूं अहले नारी के लिए, शेर सुनिएगा। सरे मैयत जब मैं मरूंगा और मेरी लाश रखी जाए, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, सरे मैयत अगर लाओगे नजराना मोहम्मद का, कफन को चीर के उठेगा दीवाना, शुक्रिया, बड़ा शुक्रिया आपने नवाजा, मैं बड़ा शुक्र गुजार हूं। कंकर को बोलना भी सिखाया गया आपने, कंकर को बोलना भी सिखाया है आपने, दुश्मन को भी गले से लगाया गया आपने, दुश्मन को भी गले से लगाया। शायद दो जहां का मर्तबा देखें, पत्थर शिकम पे अपने रखे बरसों बांध कर, पत्थर शिकम पे अपने रखे बरसों बांध कर, सोए तमाम उम्र वो टूटी चटाई पर, मेरे नबी तुम पर कुर्बान है।
का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। सरकार के नवासे का जिक्र किया अगर कोई आखिरी शेर में सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। बड़ी तारीफ सुनी है और वैसा ही पाया नायरी वालों को इंशाअल्लाह। तख्ते यजीद कर नहीं हिलता जहान में, कैसे चमन पे दीन ये खिलता जहान में, शबीर सर न देते जो करबल की रेत पर, शबीर सर न देते जो करबल की रेत पर, शबीर सर न देते जो करबल की रेत पर, शबीर सर न देते जो करबल की रेत पर, ईमान वाला कोई न मिलता जहान में। शब्बीर सर ना देते जो कलबल की रेत पर, ईमान वाला कोई ना मिलता जहान में। मेरे एक दोस्त हरदिल अजीज हमीद अंसारी साहब जो बहुत अच्छे शायर थे, अभी कोविड में उनका इंतकाल हुआ था, उनके चार मिसले मुझे याद आए हैं। ताकते तुम्हारी है, हमारे अलाउंसर साहब से भी तवज्जो चाहूंगा, ताकते तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, हम यजीद के हाथों पैद हो नहीं सकते, हम हुसैन वाले हैं करबला हमारा। मुकर्रर पढ़ने की रिक्वेस्ट की है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, हम यजीद के हाथों पैद हो नहीं सकते, हम हुसैन वाले हैं करबला हमारा। इस्लाम पर